एसएससी सीपीओ एसआई 2024 का आंसर किया हो चुका है। मैं लाइब्रेरी में हूँ, इसीलिए मैं बाहर आके वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जैसे आप उसको लॉगिन करेंगे, उसके बाद जो इंटरफेस है उसको रिफ्रेश कर दीजिएगा, उसके बाद कंट्रोल यू दबा के रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आएगा, जैसे ही आपको फेज लगे इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ तरह से कोडिंग खुलेगा। उसके बाद आपको कंट्रोल एफ दबा देना है। जैसे आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो आपको साइड में यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप कंट्रोल एफ दबाएंगे तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एसएससी का है तो ssc.dglm करिए या ssc. आप जैसे क्लिक कर देंगे तो आपको आ जाएगा। ये देखिए एसएससी से dglm से लेकर और लास्ट तक जाएंगे html तक। इन सारे चीज़ों को जब आप कॉपी कर लेंगे, जब आप कॉपी करके इसको ssc. मैं थोड़ा बोल रहा हूँ ssc. ही सर्च करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे इसको आप कॉपी कर लेंगे html तक, ये html तक है, वहाँ तक आपको कॉपी करना है। कॉपी करके इसके बाद आप अपने सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च कर देंगे, या यहाँ सर्च कीजिए या फिर अगले पेज पर ले जाकर सर्च करिए। मैंने कॉपी करके अगले पेज पर सर्च किया है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ssc cpu 2024 के आंसर खुल के आपके सामने आ जाएगा। होप करेंगे वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा।